अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान के संसद के भीतर भारत की जमकर तारीफ की। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। एंड बिकॉज मोदी जी डूइंग सच अमेजिंग वर्क इन इंडिया व्हिच इज वी कैन फील एंड दैट ही मेकिंग प्राउड टू ऑल NRI अक्रॉस द ग्लोब। इंडियंस पसंद करते हैं तो उन्हें दूसरी मरतबा इलेक्ट किया, अभी उनके 8 साल पूरे हो गए, अभी अगले साल भी 5 साल भी उनके होने वाले, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, इस बात को कैसे देखते हैं? और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब बहुत ज्यादा जेरे बहस है, इस वजह से कि उन्होंने दो टोक बात की है। फजलुर रहमान संसद में पाकिस्तान की बर्बादी का हाल बता रहे थे, तभी उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए तारीफों का पुल बांध डाला। उन्होंने कहा कि भारत अब सुपर पावर बन रहा। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। तो उसमें पाकिस्तान अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाएगा, टैक्स टू GDP रेशियो जो आप जिक्र कर रही हैं वो नहीं बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास, हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ। मेरा अब तक का जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने देखा पढ़ा है और सुना भी है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आज़ाद है और हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं। तो इसलिए नहीं, उसमें अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं सर, क्या आप आज़ाद क्यों नहीं है, या आपसे कोई आपको पकड़ के ये कह दे हाँ भाई आपने बोला पाकिस्तान हम लोग आज़ाद नहीं है, किस चीज़ में आज़ाद नहीं है, तो क्या कहेंगे? वो इसलिए आज़ाद नहीं है हम के हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये वतन बनाया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हमें इस आज तक पता ही नहीं चल सका कि क्या हमारी इस आज़ादी को सेल्फ हमारी अंदरूनी ताकतें कर रही हैं या बैरूनी ताकतें कर रही हैं। अगर हमारी इंतज़ामिया या हमारी कोई भी हुकूमत पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, कोई असलाहत वो बनाती हैं, तो बाहर की कंट्रीज जो है वो उसके ऊपर एतराज़ करती है कि जी ये नहीं तो ये नहीं, बिजली कम क्यों कर रहे हो, गैस कम क्यों कर रहे हो, पेट्रोल सस्ता क्यों कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए, इनका रेट बढ़ाएं। तो उसके बाद रेट जब बढ़ता है तो पूरा बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है, जब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी से दो वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी से अपने बच्चों को तालीम भी नहीं हासिल करके दे सकते, और अपनी मर्जी से जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो अपनी मर्जी से हम यहाँ खड़े होकर कोई अपने नज़रिए को आज़ादी से दूसरों तक पहुँचा भी नहीं सकते। भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं 2 लाख करोड़ जी महाराष्ट्र दे रहे जी, ठीक है, वहाँ भी इतनी बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है जी, सो वो वहाँ पर क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है, $1 trillion की इकॉनमी है, $1 trillion की इकॉनमी। अभी हम लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है और वो ये बहस है कि अगर अब हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। सो हमने ये दो मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी, दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफ़र शुरू किया था, कोई दोनों मुल्कों ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ फवाज भी ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है, लेकिन अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे, यकीन करके माने वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे, मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड
अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो वहां पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे वो अपनी वो वहां पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वजीर आजम यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीजें उनको पूछनी चाहिए, क्यों डेट्स हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग में मतलब आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो इंसल्ट है। मतलब कि आपकी इंडस्ट्री इतनी जोगी भी नहीं है। देखें अमेरिकन्स, इंडियंस, बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, इट मीन्स हमारे पास इंडस्ट्री है। हम कहते हैं जी हमारे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। दैट्स वॉट वी से। सो हमें हम दुनिया को जाके अपनी नालायकियां बताते हैं और फिर कहते हैं कि इसके ऊपर हमें दो। उन्होंने कहना था भाई साहब आप भी तो पहले 1.5 साल वजीर आजम थे, आप 10 साल वजीर आला रहे हैं, आपके भाई वजीर आजम रहे हैं, आप यू आर अ मैन विद पावर, यू आर अ मैन विद रिसोर्सेज, यू आर अ मैन विद आइडियाज, यू हैव पीपल ऑन बोर्ड हु कैन टेल यू, एक्सप्लेन यू किधर जाना है, क्या करना है, ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं ये हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम कंप्लेन करते रहें, ठीक है जी। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी स्ट्रगल की थी। इंदिरा गांधी की अगर आपको याद हो एक स्लोगन होता था गरीबी हटाओ, और उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो, ये जो मौजूदा हमारे फॉरेन मिनिस्टर, साबक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे, ग्रैंडफादर, ही यूज्ड टू से रोटी कपड़ा और मकान। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, ठीक है जी, मतलब देयर शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस तरीके से एक्सप्लेन उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबके पास हो। सो हमने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन हम आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी कोशिश की जाती है नेशनलाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिशें की लेकिन इंडियन लोग इस सेंस में सिंसेयर थे कि उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की और आज भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डेली वायोलेशन हो रही है। एज लॉन्ग एज या आप पकड़े ना जाएं या आप इतने ताकतवर हों, अगर आप ताकतवर हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की वायोलेशन करें, नो प्रॉब्लम। अगर आप कमजोर हैं सारे का सारा कानून आपके ऊपर लग जाएगा। दो हम मैं और मेरा दोस्त एक जगह हम गए, देयर वाज अ प्लेस जहां पे दो किस्म के लोगों की थी। सो वो थोड़ा ऑफिसर था, मैं आम आदमी था, तो दोनों हम की अलग अलग एंट्री थी, मेरी एंट्री उसके साथ थी और कुछ लोग और भी वहां एंटर हो रहे थे। तो मुझे कहता है ये देखो ये हैं दो पाकिस्तान, यहां से दो पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, लोग पैदल चल के आ रहे हैं और एक जगह से गाड़ियां अंदर जा रही हैं।